दोस्तों, अगर आपके पास जियो फोन है, आपके फैमिली मेंबर के पास जियो फोन है, या फिर आपके दोस्त के पास जियो फोन है और वो चाहते हैं अपने फोन में व्हाट्सएप को यूज कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप रियल में व्हाट्सएप को अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखते रहे इस वीडियो को मेरे साथ, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं चेकी टीवी। तो दोस्तों, ये मिथ जब स्टार्ट हुआ, जब इंटरनेट पे काफी वीडियोस इस तरह की आने लगी कि व्हाट्सएप को अपने जियो फोन में कैसे इंस्टॉल कर पाए, तो सबसे पहली बात आती है, जो आपको जियो फोन मिलता है उसमें इंस्टॉल जो ओएस मिलेगा आपको वो है काई ओएस, जो निकला है फायरफॉक्स ओएस से। और जितना मेरे को ध्यान है, अभी तक खाली दो ही फोन है जो मार्केट में प्रेजेंट है जिसमें फायरफॉक्स ओएस चलता है। और जो व्हाट्सएप है वो अभी उस ओएस को टारगेट नहीं कर रहा है, मतलब कि वो ओएस अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है कि व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनी उसमें अपना पैसा और उसके लिए अपनी ऐप को डेवलप करे। यहाँ तक कि ब्लैकबेरी के फ़ोन में भी आप सुनते होंगे व्हाट्सएप अब अपनी सर्विसेज देना बंद कर रहा है, क्योंकि उसकी मार्केट अब इतनी बड़ी नहीं रही और व्हाट्सएप को लॉस हो रहा है कि उसके लिए अपनी ऐप को, अपने सर्वर्स को दे और अपने ऐप्स को, उसके लिए डिवाइस को लगाए जो अब इतना ग्रो नहीं कर रहा है और काफ़ी लो है मार्केट में। तो फायरफॉक्स ओएस में भी ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, और काई ओएस जैसे कि फायरफॉक्स ओएस से निकला है उसके लिए भी व्हाट्सएप कुछ काम नहीं कर रहा है। तो सीधी सीधी बात यह आती है कि आप व्हाट्सएप को अपने काई ओएस में रनिंग फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जो है आपका जियो फोन। तो ये तो बात क्लियर हो गई, हम जियो फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो लोग कहते हैं आप ऑनलाइन वेब व्हाट्सएप को यूज़ करिए, उससे आपको वैसे सर्विस मिलेगी, पर जो उनका टाइटल होता है, जिस तरीके से वो बताते हैं, वो बिल्कुल मिसलीडिंग होता है। जो कहते हैं आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रहे हैं इसके जरिए, पर असल में वेब ब्राउज़र से उसको वेब भी ओपन कर रहे हैं, जो आप किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आपको कोई नोकिया का फीचर फ़ोन हो या फिर 1000 रुपये का, आप 900 रुपये में आता है कोई चाइनीज़ फ़ोन, उसमें आप वेब भी ओपन करिए, उसमें व्हाट्सएप वैसे ओपन करिए, पर ये व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना नहीं हुआ, व्हाट्सएप पर खाली वेब भी ओपन करना हुआ, जो बिल्कुल ही मिसलीडिंग है आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है गाइस, ये वीडियो देख के आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आप क्या व्हाट्सएप को अपने काईओएस रनिंग फ़ोन में, जो है आपका जियो फ़ोन, उसमें रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखा, तो आपका ये फर्ज बनता है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनको भी दिखाएंगे कि आप अपने जियो फोन में व्हाट्सएप को रन नहीं कर सकते। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको काम की लगी हो, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह की और वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं, फिर जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही होती है इस वीडियो की एंडिंग, और मिलेंगे अगली वीडियो में। 2018 में भी काफ़ी नए नए फीचर वो लेके आने वाला है, और कुछ लीक्स निकल के आ चुके हैं कि वो क्या है।